वरान। हुजूर। सिपाही करारगाह के इतराफ में खड़े हैं, छोटी सी हरकत पर भी हमला कर देंगे और बाकी सिपाही सामने नहीं आएंगे, पीछे रहेंगे। जो आपका हुक्म जनाब। ओनूर, जरकुताए, भाई सुंगुर, सब अपने हथियार तैयार रखें। अगर वो तुर्कुत को निशाना बनाते हैं तो उन्हें फौरन खत्म कर देना। जो हुक्म जनाब। हम तुर्कुत को लेकर आएंगे और ये सब कुछ हाजी होगा जो इन सरजमीनों में खून बहाना चाहते हैं, वो अपने अंजाम को पहुंचेंगे। आ जाओ। अपनी आंखें खुली रखना, किसी को मालूम नहीं होना चाहिए कि ये हमने किया है। मगर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? उन सिक्कों से किसी को फायदा नहीं होगा। जितना बोला है उतना करो, मैं जो कह रही हूँ वो करो, किसी से भी कोई सवाल मत करना। इख्तदार हासिल करने के लिए हमें वालदा सुल्तान की जरूरत है, वो जो कहेंगी वो हम करेंगे, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। बेंके खातून, खुश आमदीद। आपको भी खुश आमदीद। मैं वो थैला लेने आई हूँ जो आयशा खातून ने भेजा था। अच्छा, ये आपका कबीला भी है? मैंने तुमसे पूछा कि तुम क्यों आई हो। मैं अब चलती हूँ, देर ना हो जाए। चलो। ये आखिर ऐसा क्यों कर रही हैं? ये उस्मान का आखिरी दिन था, ये हथियार डालकर वफादारी दिखाने का। वो नहीं आया और वो उसकी कीमत तुर्कुत की मौत से अदा करेगा। किसी को कीमत अदा करने से डरते हुए देखते हो तुम नाइमान? मुझे नहीं लगता। मेरा लश्कर रास्ते में है, मैं यनी शहर में उस्मान की ममलिकत को खून में नहला दूंगा और जो मेरी बैत नहीं करेगा वो जल्द मारा जाएगा। तुर्कुत, परेशान ना हो, तुम कीमत अदा करोगे। तुम हमेशा बेगुनाहों का खून बहाने की बात करते हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम उसकी कीमत अदा नहीं करोगे? तुम शिकस्त जरूर पाओगे, दर्द से भी गुजरोगे, कीमत भी अदा करोगे, लेकिन तुम्हारा सर इसमें हान खुद उतारेगी। मैं तुम्हें हमेशा एक दूसरे के खिलाफ लड़वाता रहूंगा, कौन मुझसे हिसाब ले सकता है? किसे पता है, शायद मैं हिसाब लूं तुमसे। उस्मान साहब आ गए हैं। उस्मान साहब, उस्मान आ गया है। उस्मान साहब आने दो,
अल्लाह हमें कामयाबी अता फरमा। आमीन। चलो बिस्मिल्लाह। क्या हुआ? अरे आने की उम्मीद नहीं थी तुम्हें? तुम्हारी तलवार अब भी म्यान में है। मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ हथियार डालने आए हो। खुद को कैद कर लिया, फिर मेरी जायदादों पर काबिज हो गए। बुरान, पीछे हटाओ उन्हें, हटाओ उन्हें। सिपाहियों, ये तुम जिन कमांडरों के मंतजर हो, ये उनका है। देखो ये वो सारे कमांडर मेरे कैदी हैं। जिनका तुम्हें इंतजार है वो नहीं आने वाले। मेरे भतीजे, ये मेरे भाई का है। रुक जाओ नयमान, हमारे बच्चों और भतीजों पर रहम करो। नयमान हमारा खानदान और हमारे भाई हैं। मेरी सरजमीनों पर तुम्हारी तरफ से जिन सिपाहियों को भेजा गया था अपने घरों को लौट चुके हैं। उन सबको मैंने भेज दिया और तुम्हारे सारे कमांडर मेरे कैदी बन चुके हैं। नायमान, उन्हें बचाओ, कुछ करो। तुम क्या चाहते हो उस्मान? तुर्गुत चाहिए और कुछ नहीं। तुम्हारे कमांडर सरदारों को दे दूंगा, वरना ये मोहर भी तुम्हें बचा नहीं पाएगी। नायमान, अजीम नायमान, इसे रोको। तुम अपने से बड़े काम कर रहे हो। मैंने तुम्हें हथियार डालने का वक्त दिया था और तुम जंग को बढ़ावा देना चाहते हो। भारी कीमत अदा करो को इसकी। ओ, पहले से ही बड़ी थी जंग तो, और यह
ये हक और बादल की जंग है। मैं कसम खाता हूं कि ये जिस कदर भी बड़ी हो जाए, चाहे जितनी खूनरेजी हो, आखिर में इस जंग का नतीजा हमारी फतह की सूरत निकलेगा। अब हवाले करो तुर्गुत को हमारे, वरना तुम्हारे कमांडर मारे जाएंगे। सोच लो क्या करना है। नायमान, वो हमारा खून है, उसे तुर्गुत दे दो। सिपाहियों, जानता था आप आएंगे उस्मान साहब। शुक्रिया। आज तुम जीत गए, लेकिन मैं यह असीम जंग जीतूंगा। जब हम अपनी तलवारें उठाते हैं तो जंग में फतह हमारी होती है। तुम्हें काफी तकलीफ पहुंचाई है उन्होंने। अगर आप कमांडरों के साथ इस तरह ना आते तो मैं वहां से इस तरह नहीं निकल सकता था उस्मान साहब। लेकिन आप आए, जानता था यह बात। अगर वहां नायमान हम दोनों को मार देता तो क्या होता उस्मान साहब? नायमान अगर ऐसा करना भी चाहता तो सरदारान उसे इजाजत ना देते। हमारी चाल महफूज थी। इंशाल्लाह वो इस सरजमीन से जल्दी दफा हो जाएंगे, इंशाल्लाह। लेकिन हमने इसकी कीमत अपने बहादुरों की जानों से अदा की है। हम सबकी यही मंजिल है उस्मान साहब। शहादत बुलंद तरीन मकाम है, बहादुरों का मकाम जन्नत है। आमीन, 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 आमीन। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे उस्मान। वहीं रुक जाओ, वहीं रुक जाओ। उस दिन एक दफा हमें खोल दो। नायमान तुम्हें नहीं छोड़ेगा उस्मान, नहीं छोड़ेगा। हम तुम्हें और तुम्हारे खानदान को तबाह कर देंगे। तुम्हें लगता है ऐसा होगा? छोड़ो हमें, हमें आजाद करके देखो। हम तुम्हारे बेटों का खून पीकर दिखाते हैं, हम इनका खून पिएंगे। उस्मान, हम इनका खून पिएंगे, हमें छोड़ो। क्या आप अपने बेटों की तरबियत करना चाहेंगे? छोड़ो हमें। ये अच्छी सोच है। देखो हमें छोड़कर क्या डर गए? छोड़ो हमें सरदार, हम इनका खून पीकर दिखाते हैं। छोड़ो हमें। उस्मान, क्या तुम में हिम्मत नहीं है? मुझे आजाद करके देखो, फिर देखो मैं क्या करता हूँ। क्या आज हमारी तरबियत है? तरबियत नहीं, जंग करनी होगी तुम्हें। गैर मुस्तहकम कभी कामयाब नहीं होता। देखना चाहोगे? अपने सामने देख सकते हो तुम उन्हें। जाओ और सबक सिखाओ इन्हें। जाओ, खोल दो इन सभी को। अब ये मैदान तुम लोगों का है। आप मेरे भतीजों पर बिल्कुल रहम नहीं करते। क्यों करूं रहम? हाँ, अगर ऐसा करूंगा मैं तो ये भी रहम की दरखास्त करेंगे, और दुश्मन कभी इन पर रहम नहीं करेगा। सही कहा,
जनाब यही रुक जाओ साथ ले जाओ अब समझने की बात यह है कि आपको कमजोर नजर आना चाहिए दुश्मन समझे कि यह आसान हदफ है और वो कहीं गलती कर बैठे सलामत रहो हमेशा सलामत रहो सरदार बुरसा जाने से पहले ही आपने हमारी आज अच्छी तरबियत कर दी है तरबियत हमारे लिए बुरसा से ज्यादा अहम है ना भाई आप दोनों तमाम शहरों से ज्यादा अहम हो मेरे लिए अगर तुम दोनों माहिर और मजबूत हो गए तो न जाने कितने शहर कितने कले आप दोनों के कब्जे में होंगे अभी मुनासिब वक्त नहीं है भाई शंगू अभी वक्त नहीं है अभी देखने दो कि लड़ाई करने के बाद ये दोनों कितने माहिर हैं आगाह कीजिए बुरसा की सूरत हाल क्या है आओ यहां खड़े हो जाओ के तैकफुर वायलेंस आ रहे हैं